make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की हम मज़ीद वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग एक और वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, कार रिव्यूज़, सीक्रेट टिप्स, इंट्रिक्स, हर तरह की चीज़ जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करने में आपका भी फ़ायदा है, आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। जो ये स्क्रीन पे इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, ये करोला एल्टिस 2020 मॉडल है। अभी तो आपको बहुत खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन ये असल में इस कंडीशन में ये गाड़ी थी। ये बैक से हिट थी, 2020 मॉडल है, 2021 रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। ये बैक से मेजर हिट थी, लेकिन ये गाड़ी ओनली 1900 किलोमीटर ड्रिवन है। 1900 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन थी, लेकिन ये बैक हिट हो गई गाड़ी। आप देख सकते हैं ये इसका बैक का मेजर पीछे से डैमेज था, पूरी बैक कट इसमें डलनी थी। ये हम लोगों ने गाड़ी लाहौर से ही परचेज़ की, लाहौर में ही ये गाड़ी तैयार की है। इसकी मज़ीद डिटेल आपको दिखती जाएंगी। ये गाड़ी हमने सबसे पहले इसे वेंच पर लोड करा दिया, गाड़ी से सब लोड शोड कराने के बाद मैं आपको इसकी दो तीन मज़ीद पिक्चर दिखाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये गाड़ी कैसी थी। ये गाड़ी की यहाँ पे आपको पिक्चर दिख जाएंगी कि गाड़ी यहाँ से लेफ़्ट साइड से कैसी हिट थी, राइट से कैसी थी, बैक से कैसी हिट थी। फिर हम ये सब कुछ करने के बाद जो है यहाँ से हम चले जाते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो हमने यहाँ से गाड़ी पहुँचाई, और गाड़ी पहुँचाने के बाद हम सीधा चले गए बिलालगंज। बिलालगंज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए, वो इसलिए कि बिलालगंज से इसकी बैक कट मिलती तो ही गाड़ी आगे बनना शुरू हो सकती, क्योंकि कट एंड कट करके तो वो कोई भी गाड़ी का स्क्रैप फेंक देता, लेकिन बैक का सामान मिलता तो ही उसे कट करने का फ़ायदा होता। खैर, हमने वो गाड़ी वर्षा पहुँचाई, उसके बाद सीधा बिलालगंज पहुँच गए। हमने बिलालगंज जाते साथ ही इसका जो है बैक कट ख़रीदा, जिसकी प्राइस आपको वीडियो में बता दी जाएगी कि कितने का ख़रीदा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ जो भी डिटेल होंगी वो आपको मेंशन की जाएगी। जब हमने परचेज़ कर लिया बिलालगंज से, हमें इजीली मिल गया करोला का बैक कट कंप्लीट विद सीट्स और बम्पर, ट्रंक, रबड़, बैक ग्लास के अंदर जो एक प्लास्टिक इसकी हुड आता है, प्लास्टिक का एक पीस होता है जिसमें स्पीकर्स फिट होते हैं, वो तक। फिर हम लोग पहुँच गए इसे लेके वर्कशॉप। जब वर्कशॉप लेके हम पहुंच गए तो ये उसके वहाँ पे, मैं आपको ये कुछ शॉट्स दिखाता हूँ कि ये अंदर से एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू पीस था। ये अभी आपको फ़िलहाल इसमें कुछ गंद वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन ये गंद साफ़ सुथरा होने के बाद ये सब कुछ ऑब्वियसली आपको वीडियो के एंड पे दिखाया जाएगा, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ये इसकी वाइट कलर की बैक कट मिल गई थी, उससे हमें ये एडवांटेज था कि हमें इनर गाड़ी का पेंट नहीं करवाना पड़ा, सिर्फ उसे एक्सटीरियर गाड़ी का पेंट करवाना पड़ा। ये उसके बाद हम मैकेनिक को बुलवा लिए, जो कि अकील भाई थे। अकील भाई से हमने कहा कि इसके सारी जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसे डिसमेंटल करें, वो उसे उतारेंगे तो ही गाड़ी के पीस कट हो सकेंगे। इसमें फ्यूल टैंक आ जाता है, बैक की इसकी कंप्लीट जिसे गाडरी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ट्यूब भी कहते हैं, टायर ट्यूब जिस पे टायर और सस्पेंशन सारा फिट होता है उसे उतरवाया गया, इसके सस्पेंशन सारा उतारा गया। उसके उससे पहले भी आपको साथ शॉट दिखा रहे हूँ कि एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि इसके सारे नट बोल्ट सब कुछ बिल्कुल स्टक हो गए थे, कि वो ना खुल रहे थे ना ही वो कटने की हालत में थे, बिल्कुल कट भी नहीं पा रहे थे। खैर, उन्होंने इन्हें नहीं आओ खोलते गए, करते गए, देखते गए, सारा काम होता गया साथ साथ, लेकिन उसे खोलना कोई आसान काम नहीं था। इसे में तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे लग गए इस सिर्फ पार्ट्स को खोलने में ही। जी, इसका फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, वो भी ख़राब हो गया था, जिससे के थ्रू फ्यूल टैंक में पाइप जाता है, फ्यूल टैंक में यानी ये पाइप इसका जाता है। फिर अकील भाई इसकी पार्ट्स की सिचुएशन बताते हुए कि ये अंदर बिल्कुल नीचे से ख़त्म हुई हुई है, बहुत बुरा हाल था नीचे पार्ट्स का। और आप ये इसमें ये देख रहे होंगे एग्ज़ॉस्ट का, कि एग्ज़ॉस्ट भी बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल प्रेस हो चुकी थी गाड़ी पीछे से। अब इस गाड़ी में डलने वाला जो था वो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ डलने वाला था।
लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये इसमें इस टाइम आपको ये इसकी टायर जो ट्यूब थी जिसे गाडरी भी कहते हैं, तो ये गाडरी इसको भी उतार लिया गया था और ये इसका शॉक वगैरह जो टेढ़े हुए थे, सारा सामान प्रॉपर वायरिंग के साथ ABS सेंसर सब कुछ जो थे वो कंप्लीट उतार लिए गए थे ताकि एक एक चीज़ बाद में दोबारा फिट की जा सके। अब बात आ जाती है इसको दोबारा जॉइनिंग की, इसे जस्ट टायर वगैरह ट्यूब आर्टिफिशियली फिट करके और सारा सामान बाकी उतरा हुआ है, इसकी जो साइज़ लिए गए कि इसके प्रॉपर एक्यूरेट साइज़ होंगे तो पिछले दरवाजे बंद होंगे, पिछला शीशा फिट हो सकेगा, सारी एक्यूरेसी तभी आएगी जब 00 इसकी मेजरमेंट ली जाएगी। खैर वो मेजरमेंट लेना शुरू की उन्होंने, पहले दरवाज़ा बिठाते थे, फिर बड़ा यानी एक ये लंबा प्रोसीजर होता है जिसे हम वीडियो में तो आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा, लेकिन वही चीज़ों को दोबारा से प्रॉपर तरीके से जोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना वीडियो में दिखा दिया जाता है। तो ये एक बहुत हेक्टिक प्रोजेक्ट था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। ये गाड़ी का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक बेंड हो गया था और इस दरवाज़े की कॉस्ट ऑलमोस्ट 80,000 है ब्रांड न्यू की। तो ये वही दरवाज़ा हमने रिपेयर करवाया है और आप भी कोशिश करें कि आपका जितना पार्ट रीयूज़ हो सके उतना आपके लिए बेहतर है। इसकी डोर सील्स भी हमने सही लगवा ली थी, खैर वो तो आपको आगे जाके वीडियो में सब कुछ दिखेगा। ये मेजरमेंट लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इसकी प्रॉपर कटिंग करने के बाद, इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको जॉइंट जहाँ पे हमने फ़ाइनल जॉइंट्स देने थे, फ़ाइनल इसकी फ़िटिंग करनी थी, फिक्सिंग करनी थी, उस तरफ हम पहुँचने जा रहे थे। फिर ये थोड़े थोड़े इसकी कटिंग के कितने इंच बड़ा है, कितने इंच छोटा है, उसकी प्रॉपर कटिंग की जाएगी तो ही ये फिट हो सकता था। ये उन्होंने नदीम भाई ने जो इस गाड़ी की डेंटिंग प्रॉपर जिन्होंने की है, वो इसकी सारी की सारी सेटिंग्स इन्होंने साइज़ निकाले, सब कुछ कर दिया। फिर ये हमज़ा जो था, हमज़ा ये उनका ही साथ काम करता है नदीम भाई के, लाहौर में इनकी मुगलपुरा के पास, सॉरी नए पुल पे इन लोगों की वर्कशॉप है, वहाँ पे ये सारा काम करते हैं। इन्होंने ये पिलर खोला, पिलर कट करके ताकि उसकी एक्यूरेट साइज़ लें, उसे स्ट्रेट कट करें और उसके बाद अंदर से वेल्ड करने के बाद उसे बाहर से आउटर और इनर जो है वो कंप्लीट इसे जॉइंट किया जा सके। खैर ये जॉइंट करने के बाद यहाँ पे मैं अब आपको इसके फाइनल शॉट्स दिखाता हूँ कि ये गाड़ी जो है इस जगह पर जाकर अब कंप्लीट जुड़ चुकी थी एंड ऑन टायर आ चुकी थी। ऑन टायर आप इसे वो नहीं कहेंगे कि ऑन टायर अभी रोड पे चल सके, ऑन टायर से मुराद ये है कि गाड़ी आगे पीछे हो सकती थी, मूव हो सकती थी। जॉइंट्स जो लगाए गए थे वो अभी टेम्परेरी थे, टेम्परेरी से मुराद ये है कि वो उन्हें फाइनलाइज़ करना था, जॉइंट्स वगैरह दरवाज़े वगैरह प्रॉपर फिट बैठ गए थे, लेकिन जॉइंट्स को पक्का एंड पे इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई भी उसमें कमी पेशी रह गई हो तो वो कम्प्लीट की जा सके। खैर गाड़ी ऑन टायर जैसे मैंने आपको बताया कि आ गई थी और आगे पीछे उसे मूव किया जा सकता था गाड़ी को, जो मेन इशू था गाड़ी में। ये गाड़ी की आपको फ्रंट दिख रहा होगा, गाड़ी का फ्रंट माशाल्लाह से खूबसूरत था, लाइटें वगैरह गंदी हो रही थी और ये गाड़ी खड़ी खड़ी जो था इसका क्रोम वगैरह ख़राब हो गया था, लेकिन उसका भी हमने एक हल निकाला और हल निकाला इस तरह, वो आपको सारे डिटेल आगे भी वीडियो में पता लगेगी, अभी बता दिए तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। खैर ये आपको दिख रहा होगा इसके कट जो अंदर वाले जॉइंट्स थे वो बड़ी खूबसूरती से लगा दिए गए, कुछ कुछ जॉइंट्स बाकी रहते थे उन्होंने मेन टायर वगैरह पे करने के लिए गाड़ी को कच्चे उसके जॉइंट्स लगा के गाड़ी बाहर निकाल दी ताकि वो गाड़ी के बाद में, ये आपको इधर लेफ़्ट का जॉइंट दिख रहा होगा, फिर अभी आपको इनर भी जॉइंट दिखाता हूँ कि इनर कैसा था। इनर कुछ इस तरह का था, अभी तो वो खाली था क्योंकि एंड पे उसे फ़ाइनल फिटिंग करते वक्त उसको फिट किया जाता और उसके बाद इसको हमने पेंट करना था। खैर ये सब कुछ करने के बाद अगर बात कर ली जाए इसकी कि ये गाड़ी में कितना टाइम लगा, वो भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अगर आप नीचे के कार्ड देखें तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगा दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी, ऑब्वियसली कट अगर गाड़ी को बाद में किसी को दिखे तो वो तो गाड़ी ख़राब मसला ख़राब हो जाएगा कि गाड़ी यहाँ से कट हुई हुई है। तो खैर इसकी हमने फिलिंग करवाई नदीम सॉरी इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बताता हूँ मैं आपको वीडियो में, अभी मैं नाम भूल गया इनका, नईम भाई इनका नाम है। नईम भाई ने गाड़ी के अंदर से सारी आके फिलिंग की, फिलिंग करने के बाद जो है इसको पहले
इनर बॉडी की फीलिंग की, फिर रात हो गई करते कराते इसकी, क्योंकि जस्ट फीलिंग ही नहीं करनी होती है, पहले इसको रेक माल से रगड़ते हैं, बैलेंस करते हैं, उसके बाद फीलिंग करते हैं। फिर इसी तरह उन्होंने नीचे की भी इसकी सारी की सारी कंप्लीट इसकी फीलिंग की, ताकि गाड़ी जो है वो कहीं से भी पकड़ी ना जा सके। गाड़ी जो है वो दोबारा कट करके इसको दोबारा वेल्ड किया गया है या जोड़ी गई है गाड़ी। उसके बाद ये अब आपको अंदर के शॉट दिख रहे होंगे कि पेंट हो गई थी गाड़ी, क्लियर हो गई थी, और उसके बाद ये फाइनल इसे हम लोग जो है कॉमन लैंग्वेज में इसे हम आप अगर ये ब्लैक सी जो आपको पेज दिख रहा है इसको साउंड प्रूफिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और ओरिजिनल जब गाड़ी आती है तो ये उसके ऊपर सारी की सारी लगाई जाती है, ताकि वो पूरी गाड़ी एक तरह की अंदर से लगे, और इसके कोई अंदर से कोई पीसेज वगैरह रह गए तो वो पूरे कम्प्लीट हो जाएँ। ये नदीम भाई जो थे इसकी फ़ाइनल अंदर की टचिंग करने के बाद इसके फाइनल इसे बैलेंस कर रहे थे, ताकि इसमें कुछ अगर कोई चीज़ फूली रह गई है या कहीं से ख़राब है तो वो सारी बैलेंस हो जाए। और दूसरी साइड का जब कर रहे थे, पानी इसलिए डाला जाता है ताकि लोहा जो है वो बाहर से टाइट या मेल्ट ना होने लग जाए, इसलिए साथ साथ पानी डाला जाता है कि अगर अंदर से वेल्डिंग हो रही है तो बाहर वाला पीस डैमेज ना हो सके। ये इस लड़के का नाम एहसन है, इसने अंदर से फिर जो पिलर वगैरह थे साथ साथ नईम भाई के साथ उन्होंने ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे की थी सारी की सारी फिलिंग, इसने साइड पिलर्स की फिलिंग की और इसे पेंट किया, ताकि ये गाड़ी कभी भी कल को इसका कोई पीस वगैरह उतारा जाए या कुछ किया जाए तो गाड़ी किसी भी एंगल से पकड़ी ना जा सके कि गाड़ी यहाँ से कट हुई थी, वेल्ड हुई है, रिपेयर हुई है या पेंट हुई है। मैं खुद चुप हुआ हूँ कि गाड़ी के कुछ शॉट कंप्लीट हो जाएं, तो यहाँ पे अब इंटरव्यू है, आप वो इंटरव्यू सुन लें फिर मैं बात करता हूँ। हम ये रगड़ाई करते क्यों हैं? ये तो पीस की एक फिनिशिंग हो जाती है। हाँ। जब तरपाई करते हैं दाने से आ जाते हैं उसके ये ब्लेड लगा के। हाँ। तो ये दाने क्लियर हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, अगर कोई पीस नीचे हो तो वो जो जाहिर हो जाता है कि ये पीस नीचे है, इसको तरपाई करके फिर दोबारा उठा लिया जाता है, यानी इससे सारे ऐप दिख जाते हैं। इसके ऐप देखे जाते हैं कौन कौन सा, और ये भी फायदा होगा कि पुटीन कम लगेगी फिर। जी, ये भी फायदा होगा कि पुटीन कम बहुत लगेगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपके जो क्वेश्चन थे ये आपके काम आए। यहाँ पे अकील भाई को फाइनल इसकी फिटिंग के लिए बुला लिया गया था कि जो शॉक्स और जो गाड़ी वगैरह ख़राब थी उन्हें प्रॉपर इसे सही करके इसे फिक्स यहाँ पे किया जाए। इसमें भी हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई कि ये बैक कट जो थी वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल की थी एंड इसमें थोड़ा फ़र्क आया, लेकिन वो अल्ट्रेशन करके सही कर दिया गया। ये इसका एग्जॉस्ट था, इसे हमने सही करने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, जिसके बाद हमने ये फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि हम इसका एग्जॉस्ट नया लगवा लें। तो गाड़ी सारी उन्होंने अकील भाई ने फिटिंग वगैरह की, ABS सेंसर वगैरह इंस्टॉल किए, या आपको मैं कुछ नीचे के शॉट्स दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर पता लग सके कि गाड़ी जो है नीचे से कैसी फिटिंग के बाद क्या लुक गाड़ी की निकली। गाड़ी अच्छी लुक निकल आई, गाड़ी नीट एंड क्लीन हो गई नीचे से, और गाड़ी खूबसूरत आहिस्ता आहिस्ता शक्ल निकलने लग गई। ये इसकी बैक लाइट्स वगैरह भी मैं ले आया था, वो भी उन्होंने इंस्टॉल कर दी इसकी। इस गाड़ी में सबसे महंगी जो चीज़ थी वो इसका दरवाज़ा था, जो हमने वही रिपेयर करवाया, जिसकी मैंने कॉस्ट आपको 80,000 बताई। फिर यहाँ मैं इंटीरियर में आऊँ तो ये गाड़ी की बैटरी लगा के इसके देखा गया कि किलोमीटर कितने चले हैं, तो मैं आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि ये गाड़ी जो है अंदर से एक ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू थी, लेकिन मिट्टी की वजह से गंदी हुई थी, तो आप 1919 किलोमीटर इसके देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मीटर पर आपने देख ही लिया होगा 1900 किलोमीटर चली थी ये गाड़ी का। आपको और बाहर का लुक अगर दिखाऊँ तो गाड़ी की कुछ इस तरह की लुक निकल आई थी। एक आपको 360 व्यू देता हूँ गाड़ी का, कि गाड़ी जुड़ने के बाद गाड़ी की क्या लुक आ गई थी। ये इंटीरियर था गाड़ी का, खूबसूरत साफ़ सुथरा, अभी तो नहीं है लेकिन आपको आगे जाके साफ़ सुथरा ही बिल्कुल दिखेगा। गाड़ी में नई बैटरी इंस्टॉल कर दी गई थी, और जो इसकी छोटी मोटी चीज़ें थी ऑयल चेंज कर दिया गया था, गियर ऑयल चेंज कर दिया गया था, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू किया था। ये गाड़ी की अंदर की फाइनल फिटिंग होना स्टार्ट हुई थी, कि गाड़ी के डोर कार्ड्स, गाड़ी का फ्लोर मैट, सीट, सब कुछ फाइनल इंस्टॉल हो जाए ताकि गाड़ी जो है कंप्लीशन की तरफ जाए।
ये यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे गाड़ी रिवर्स आ रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब फाइनल फिटिंग करवा ली थी तो उससे पहले सीट्स वगैरह इंस्टॉल करने से पहले हमने सोचा कि इसमें जो है वो साइलेंसर इंस्टॉल करवा लिया जाए, जिसे उर्दू ज़बान में ढोलकी भी कहा जाता है। वो हमने कहा कि इंस्टॉल करवा लें, और इंस्टॉल करवाने के बाद ताकि गाड़ी का इंजन साउंड जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए थोड़ा बहुत चल के भी, और जाहिर सी बात है न्यू चीज़ इंस्टॉल होगी तो उसके रनिंग में आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये कुछ उसके इंस्टॉल होते हुए के शॉट्स हैं, ये आप देख के इंजॉय करें। फिर इसके बिल्कुल बाद हम लोग इस गाड़ी को दे आए थे नईम भाई के पास, वसीम भाई के पास, जिन्होंने गाड़ी को फाइनल पेंट की तरफ लेके आना था, क्योंकि गाड़ी कुछ कामों की वजह से डिले हो चुकी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये फ़ाइनल अब पेंट इसको जल्द अज जल्द कर दिया जाए ताकि गाड़ी जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, गाड़ी हमने नईम भाई के पास पहुंचा दी, उन्होंने इसका फौरन ग्राउंड बनाना इसकी शुरू कर दी, इसके उन्होंने बेस बनाई, दोनों साइड्स के ये जो पिलर थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए। पिलर वगैरह ही बनाना सबसे मेजर काम था ये इधर का। अगर आप देखें तो, अगर आपने इसको, जाहिर सी बात है ये वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपने पहले देखा होगा, तो ये कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि ये यहाँ से कट एंड वेल्ड हुआ था, इतना स्मूथली उसे क्लीन नीट बना दिया गया था। अभी तो आगे आप मज़ीद पेंट वगैरह होने के बाद के भी शॉट्स देखेंगे, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ से इतनी मेजर डैमेज थी जो गाड़ी बैक कट लग के इंस्टॉल हो के उसके बाद ये फाइनल फिनिशिंग पुटीन वाला काम चल रहा है। यहाँ पे भी आपको मैं बल्कि कुछ शॉट्स आगे उसामा के भी दिखाऊंगा, जिसमें उसने जो इसका डोर, आपने अगर देखा होगा कि वो बेंड हो गया था, उसके अंदर का डोर कार्ड जो है वो उसने सही किया होगा। तो ये आगे का कुछ फ्रंट के शॉट्स हैं, अगर आप फ्रंट ने आपने नहीं देखा तो आप देख लें, ये फ्रंट के शॉट्स थे। यहाँ से स्टार्ट होता है उसामा का, आप इंटरव्यू सुने इसका। और ये बाद में आपको दिखाएंगे कैसे सोच के आगे तैयार कैसा होगा। यार अच्छा हो जाएगा इसका, मैं यार जेन्युइन चीज है, इसको दिल सीधा करते हैं। अभी सामान्य ये बम्पर के सेंसर के सुराख थे ये भी बंद करने, और ये बम्पर का किनारा यहाँ से टूटा हुआ है ये भी सही करना है। ये करेंगे सेंसर के सुराख वगैरह हो जाएंगे, पता तो नहीं लगेगा। पता मैं कहता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट काम। उसामा की बातें तो आपने सुन ली होंगी, उसामा की बातें सुनने के बाद ही आपको मैं फ़ाइनल इसके कुछ टचअप दिखा रहा था कि आप वो क्लोजली देख लें, ताकि क्लोजली देखने से आपको ये पता लगेगा कि हाँ भाई इस पे कितनी पुटीन लगाई गई, क्या कुछ लगाया गया। ये असल में फ़ाइबर पुटीन इसमें यूज़ की जा रही है, जिस जो लगते साथ ही ऑलमोस्ट कोई 5 से 10 मिनट बाद इतनी हार्ड हो जाती है कि उसे ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती। ये सब पुटीन वगैरह होने के बाद इस पे अस्तर फेर दिया गया। अस्तर से ये होता है कि जो पेंट में या पुटीन में ऐब रह जाते हैं वो इसमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब फाइनल पेंट की तरफ हम तकरीबन जा ही रहे हैं। मैंने आगे इसमें थोड़ा सा पेंट में क्या कुछ डलता है, कैसे डलता है और कितनी क्वांटिटी वगैरह में डलता है, उसके बारे में कुछ सवालात मैंने वसीम भाई से किए थे, जिसका इंटरव्यू मैं अब आपको सुनाना चाहूँगा, आप वो सुने, ताकि उसमें आपके जो भी पेंट से रिलेटेड सवालात रह गए होंगे वो आपको उसमें सारे के सारे उसके जवाबात मिल जाएंगे। वसीम भाई, क्या पेंट है ज़रा इसकी थोड़ी डिटेल वगैरह बताएं। ये सर जी, ये गाड़ी का पेंट है, ये जो काम कर रहे हैं, और अभी मैं इसका ना पेंट की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें भी हार्डनर डालेंगे, थिनर डालेंगे, फिर ये रेडी होगा, फिर उसके बाद इसके मैच हो जाएगा। मैच है पूरा ये, वो थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे ना तो दरवाजे के साथ, अगर कोई दूसरा पेंट डालने वाला हुआ तो वो डाल के उसको इंशाल्लाह सेट करेंगे। ठीक, ये हार्डनर है जो इसको ड्राई करता है। ठीक है, और ये हार्डनर ऐड करने से कितनी देर में ड्राई हो जाएगा पेंट। वैसे तो इसका तकरीबन 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन हार्ड हो जाता है ये जल्दी, तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। ठीक, हार्ड हो जाता है।
यानी हम कोई 3-4 घंटे बाद इसे पेंट को हाथ लगा सकते हैं? नहीं, हाथ नहीं लगा सकते, और निशान आते हैं। अच्छा, लेकिन इतना हो जाता है कि वो लटकता वगैरह नहीं है, यानी 24 घंटे के बाद आप हाथ वाद जो मर्जी कर सकते हैं, शेपर शेपर फिर मार सकते हैं। ठीक है, हार्डनर डलना है और क्या डलना है? थिनर डलेगा, थिनर। ठीक है, और ये पूरा पूरा डलेगा या नहीं? नहीं, ये पेंट के हिसाब से, ये पेंट के हिसाब से डलेगा। ये थिनर डल रहा है, ये थिनर होता है, ये स्पेशल थिनर है, ये अच्छी क्वालिटी का। हाँ जी, थिनर किसी, ये थिनर भी ड्राई के तौर पे काम करने के लिए होता है? थोड़ा सा इसको लूज करने के लिए, लूज करने। ये वैसे ही बहुत ज्यादा थिक होता है ना। अच्छा ठीक है, डलता तो ये देखिए जरा पतला हो जाता है। हाँ जी ठीक। और इस कलर का क्या कोड है? ये 140 है। 140 है, ये करोला पे लगता है? 040 है। 040 जीरो ठीक है। अब ये जब हम स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो इसे ये कपड़े की वजह से डालें, कपड़े के साथ डालें? हाँ जी, इसमें कोई ताकि कोई कचरा वगैरह हो तो उसमें रहे। और वो कपड़ा कौन सा होता है? ये मलमल, मलमल का कपड़ा होता है। हाँ जी, ये अच्छा ठीक है। ये फिल्टर का काम करता है? फिल्टर का काम करता है, इसको डबल करेंगे ज्यादा अच्छे से पेंट हो सके। हाँ, नीट नीट हो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। हाँ जी, ये कवरिंग वगैरह करेंगे ना। ठीक है, फिर जब फाइनल डालेंगे इसमें थोड़ा सा और थिनर ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको वसीम भाई की बातों से आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये फाइनल अब पेंट होना शुरू हो गया था। पहले एक कोट होगा, फिर दूसरा कोट होगा, फिर तीसरा कोट होगा। इन कोट में ये होता है कि अगर आपका कहीं पे कोई भी माइनर सा स्पॉट पॉइंट रह गया है तो उसके दरमियान ही उसको पुटीन से कवर कर दिया जाए, और उसके बाद लास्ट में एक फ़ाइनल पेंट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई भी आपकी चीज़ रह जाती है तो वो उसमें साथ साथ पेंट के दौरान कवर हो जाए। ये मैंने इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट की हुई थी, ताकि आपको बस जल्द अज जल्द इसके पेंट्स के शॉट्स दिखें और आपके सारे पॉइंट्स इसके क्लियर होते जाएं। इन्होंने हर एंगल से, हर साइड से पेंट को करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये बड़ी फास्ट फास्ट हो रही है, तो मैंने क्लिप फास्ट किया हुआ है, वो नॉर्मल ही तरीके से पेंट कर रहे थे। ये एक रेड जैकेट में जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम नईम भाई है, और दूसरे जो आपको शलवार कमीज़ में दिख रहे हैं, उनका पेंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इनका नाम वसीम है। आप अगर पेंट से रिलेटेड सवालात आपके जहन में कोई भी हैं तो आप ड्राइव थ्रिल के चैनल पर जाके देख सकते हैं। इनका कंप्लीट इंटरव्यू है हमारे चैनल पर रिगार्डिंग पेंट। जैसे जैसे पेंट हो रहा होगा आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी की एक खूबसूरत सी शक्ल निकलती आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में बैक बम्पर, बैक दोनों फेंडर, ट्रंक
और एक दरवाज़ा, और फ्रंट का जो बोनट था जिसे हुड कहते हैं वो उस पर थोड़ा सा कॉर्नर पे रस्ट आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो कंप्लीट आउटर शावर करवा दिया है। ये वसीम भाई जो है हीट गन का इस्तेमाल कर रहे थे। हीट गन का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि गाड़ी का पेंट जो है उस पर जल्द अज जल्द सूख सके। जल्दी सुखाने का मकसद ये था कि अगर जल्दी नहीं सूखेगा, गीला रहेगा, तो उस पर जो भी हवा में डस्ट वगैरह होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो उस पर चिपक के वो गाड़ी के बाद में पेंट गंदा कर सकते हैं। और जो अगर थोड़ा सा या कुछ उसमें चीज़ें अगर गिर जाएँ या हवा से आ जाएँ, तो उसे बाद में रेक माल से ये पॉलिश करते वक्त, गाड़ी की कंपाउंड पॉलिश जब होती है वो करते वक्त, इसको सबको क्लियर कर दिया जाता है जो भी इसके पॉइंट्स रह जाएं। मैं फिर बता दूं, ये करोला 2020 मॉडल है, 21 रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड गाड़ी है। 1900 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी चली है। ये इसके आपको दरवाज़े के शॉट्स दिख रहे होंगे। ये गाड़ी के जो दरवाज़ा था उसे रिपेयर किया गया था एंड उसको अब पेंट किया जा रहा है। ये इसके मैंने अलग अलग एंगल से आपको पेंट होते वक्त इसके शॉट्स दिखाए हैं। आप आई होप ये वीडियो अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगी। पेंट्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं तो हमारे चैनल ड्राइव थ्रिल को आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें एक डिटेल वीडियो है रिगार्डिंग पेंट, कंप्लीट आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये पिछले दरवाजे का जो पेंट हुआ था उसको सुखाया जा रहा है ताकि जल्द सूख जाए, और उसके बाद इस दरवाज़े को जो है इसकी फिटिंग करने के बाद इसकी पॉलिश साइड पर जाया जाए। ये मैं आपको अब कुछ फाइनल शॉट्स दिखाता हूँ गाड़ी के पेंट होने के बाद, कि गाड़ी के पेंट होने के बाद गाड़ी की क्या लुक निकली है। दरवाज़ा तो आप देख ही चुके हैं, ये आपको फेंडर, ये इसका बम्पर, ये इसका ट्रंक इनर पेंट नहीं हुआ, आउटर पेंट हुआ है। ये इसका बम्पर के क्लोज शॉट्स भी दिखाता हूँ आपको, इवन मैं भी आपको इसके फेंडर के क्लोज शॉट्स दिखाता हूँ। ये आप यहाँ से अभी जूम आउट में आप करता हूँ, अब जूम इन करने के बाद आप अगर देखें तो फेंडर का पेंट बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी ग्राउंड बनने के बाद एक गाड़ी की लुक निकल चुकी है। गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लुक में आ गई थी और कोई भी जज नहीं कर सकता है कि गाड़ी ये कट एंड वेल्ड हुई है। ये आप गाड़ी की आउटर लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आ चुकी है अभी, जबकि इसकी गाड़ी के कंपाउंड पॉलिश होनी है, काफ़ी कोई सारी चीज़ें होनी है अभी इसमें, लेकिन गाड़ी एक खूबसूरती की तरफ आ गई है। अब गाड़ी में कुछ काम शाम थे, जैसे लाइट फिटिंग और शीशा वगैरह लगना था, और फिटिंग वगैरह करने के बाद हम वापस वसीम भाई के पास आए कि हम इसके जो है इसकी के डिटेलिंग करें, इसकी पॉलिशिंग गाड़ी की स्टार्ट कर दें। तो ये गाड़ी की पहले तो मैं आपको एक राउंड में व्यू दिखा दूं कि गाड़ी फिटिंग होने के बाद, लाइट वगैरह और ग्लास फिट होने के बाद गाड़ी की क्या लुक निकली है। गाड़ी की उन्होंने वसीम भाई ने जो है कंपाउंड करने की तैयारी शुरू कर दी, इस पर रेग माल वगैरह फेरना, जिसे हम सैंड पेपर कहते हैं, वो फेरना शुरू कर दिया उन्होंने। और अगर आप नोटिस करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल जो है वो जो क्रोम वगैरह ज़ाया हो गया था उसे मैंने मैट ब्लैक में सारा का सारा पेंट करा दिया, जो एक गाड़ी की खूबसूरत लुक निकल आई। ये दो पिक्चर्स मैंने खुद अटैच किए हैं इधर ताकि आप इस गाड़ी की लुक देख सकें कि गाड़ी लाइट वगैरह फिट होने के बाद और ग्रिल फिट होने के बाद गाड़ी की क्या लुक निकली है। यहाँ पर हम डिटेलिंग में आ गए, गाड़ी हमारी फाइनल कम्प्लीट हो चुकी थी, और अगर आप इसको देखें कि गाड़ी की कितनी खूबसूरत अभी लुक, अभी पेंट वाइज तो आ गई है, लेकिन अगर आप डिटेलिंग वाइज देखें तो मैं आपको पहले गाड़ी की ऐप दिखाता हूँ कि गाड़ी अंदर से और बाहर से गाड़ी कितनी गंदी थी। अब पहले आप ये दरवाज़ा खोलता हूँ, अंदर से देखें कि गाड़ी में अंदर कितनी मिट्टी थी, शीशे वगैरह टूट गए थे और बैग्स, जिसकी वजह से गाड़ी में मिट्टी और गंदगी गंदगी थी गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी। गाड़ी हमारे कामों से क्लियर हो चुकी थी, ये गाड़ी आपको अब आप इसकी डस्ट वगैरह देख सकते हैं कि गाड़ी में कितनी डस्ट थी, कितनी यानी आप जितनी कह सकें ना उतनी मिट्टी इसके अंदर थी। छत की हालत देख लें आप कि छत की क्या हालत थी गाड़ी की।
कोई भी नहीं कह सकते कि गाड़ी अभी ये तैयार हो जाएगी, साफ़ सुथरी कभी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बारे में किसी हर बंदे की राय थी कि ये गाड़ी, ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा पंगा ले चुके हैं हम। लेकिन ये क्रिएटिवनेस कह लें आप या यूनिकनेस कहें, वही चीज़ होती है जो कुछ डिफरेंट किया जाए तभी वो चीज़ आ सकती है। एक नई गाड़ी लेके या नई गाड़ी चला के तो कोई भी चला सकता है, उसमें कोई भी बहुत बड़ी फनकारी नहीं है। लेकिन एक एक्सीडेंट या एक लो बजट में गाड़ी तैयार करना एक बहुत बड़ी डील होती है। ये गाड़ी के अंदर आप अभी फ़िलहाल गंदगी के शॉट्स देखें, फिर आपको पता लगे कि गाड़ी में असल में कितनी, जाहिर सी बात है गाड़ी जो है तकरीबन 2020 मॉडल 21 की रजिस्टर और 22 में तैयार हो रही है, तो वो एक डेढ़ साल गाड़ी खड़ी रही है। खड़ी होने के बाद अब वो उसकी पहले तैयार हुई है, तैयार होने के बाद उसमें यानी साल डेढ़ साल तो मिट्टी ही गिरती रही है। खैर, ये नदीम भाई ने जो है, जिनसे मैं अपनी गाड़ियों की डिटेलिंग करवाता हूँ, वो उन्होंने इसकी पार्ट्स वगैरह डिसअसेंबल किए और उसके बाद ये आप इसकी देख सकते हैं कि गाड़ी अंदर से आप कोई नहीं कह सकता कि गाड़ी कट हो के ये कभी जुड़ी थी अंदर से, इवन कभी भी कोई गाड़ी ये ओपन करे। ये इस जो ब्लैक पीस होता है इसे एम्ब्री कहा जाता है, जो हमने गाड़ी में इंस्टॉल करवाई थी बहुत यानी जेन्युइन लुक देने के लिए। कभी भी गाड़ी डिटेलिंग के लिए खुले तो कोई भी नहीं कह सकता कि गाड़ी यहाँ से कट हुई थी। इसका पार्ट्स वगैरह सारे निकाल दिए गए। अब मैं यहाँ पे आपको उसका नदीम भाई का इंटरव्यू सुनाना चाहूँगा, जो मैंने उनसे कुछ बातें पूछी थी डिटेलिंग से रिलेटेड। ये गाड़ी की अभी से वॉश हुई है और ये मिट्टी वगैरह देख लें क्या निकली है, कितनी ज़्यादा निकली है। ये हमारे नदीम भाई हैं। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र भाई। आप सुनाएं, कितनी को मेहनत करनी पड़ी, क्या कंडीशन थी गाड़ी की, ज़रा बताएं। कंडीशन आपने पहले देखी होगी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, रस्ट बहुत ज़्यादा थी, ऊपर अंदर इंटीरियर के ऊपर भी और डैशबोर्ड के ऊपर भी और सीट वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। ठीक है। लेकिन अब आपको फाइनल आता भी कर रहे हैं, आसा आसा चल रहा है काम, अभी फिटिंग भी रहती है। वीडियो देखने वालों को मैं ये बता दूं, ये नदीम भाई हैं, इनका डिटेलिंग का ही काम है। ये किसी ने भी डिटेलिंग करानी हो तो आंखें बंद करके इनसे डिटेलिंग करा सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नदीम भाई, आप जो है गाड़ी वैसे क्या वॉश करते हैं, एक मुझे ये बता दें। सबसे पहले वॉश होती है, क्या होता है, और जो एक गाड़ी में आप हम काम करते हैं क्या कहते हैं? हम वॉश वगैरह ये डिटेलिंग करते हैं, इसके अलावा प्राइमर कोटिंग भी करते हैं। डिटेलिंग में क्या करते हैं आप? डिटेलिंग में ये सीटर वगैरह इसके अंदर से निकाल देते हैं। ठीक है। और अंदर वाला इंटीरियर इसकी निकाली है आपने? जी, इसकी जरा दिखाएंगे मुझे। जी जी, ये आपने इसके बिफोर शॉट्स तो देख लिए होंगे। अभी ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ वॉश हुई है, अभी इस पर पॉलिश होनी है। इंटीरियर आपने अंदर से देख लें और छत भी आपने पहले देखी होगी, तो छत की आप कंडीशन देख लें। ठीक है, आप ये वॉश करते हैं सीटें वगैरह निकाल के, कारपेट निकाल के, कारपेट वगैरह ये सब कुछ आपके सामने है जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये वॉश वगैरह केमिकल के साथ सब कुछ करते हैं, सफाई करते हैं। तो आपने पहले भी इसकी हालत देखी होगी और अब भी इसके अभी सफाई वगैरह की है केमिकल के साथ, जब पॉलिश वगैरह फाइनल हो जाएगी तो तब आपको चेक करेंगे इसके फाइनल शॉट्स, यानी तब दिखाए जाएंगे। जी, तब दिखाएंगे। ठीक है, एक गाड़ी को वॉश करने में कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन मैक्सिमम लग जाते हैं 6 से 7 घंटे गाड़ी के, यानी सुबह अगर आप 9 बजे आए। जी जी, तो कहाँ 4 बजे तक, ये गाड़ी के कंडीशन के ऊपर होता है, जैसे ये गाड़ी गंदी थी उसके ऊपर, यानी जब तक कस्टमर मुतमिन ना हो आप तब तक साफ कर सुथरी कर। हमारा और आप होते कहाँ पे? सिर्फ लाहौर में करते हैं ये मुकम्मल? लाहौर, लाहौर में, लाहौर में, यानी कहीं कहीं पर भी हो आप जाए। ठीक है, ठीक है, चलें, आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये जब गाड़ी रेडी होती है तो इसके फाइनल शॉट्स भी फिर इसके दिखाते हैं। ये अंदर के तो शॉट आपने कुछ देखे होंगे, लेकिन अब ये बाहर जब फाइनल इसकी कंपाउंड पॉलिश वगैरह हो रही है, एक दफ़ा पहले हम करा चुके थे, लेकिन ये फाइनल टच हमारी तरफ से था क्योंकि हमने गाड़ी को एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू बनाना था। ये गाड़ी का फाइनल टच हो रहा था, इस पर सारी की सारी गाड़ी की कंपाउंड पॉलिशिंग और गाड़ी तैयार हो रही थी। गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ थी, ये सब कुछ सारी इसकी इंजन बे सब सारी गाड़ी यानी हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में बना डाली। सब ऑब्वियसली ये टीम वर्क था, सबकी हेल्प से, सबकी मदद से और हमारे पैसे से ये सारे काम कंप्लीशन की तरफ गए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके दिखाते हैं खूबसूरत मज़ेदार फाइनल शॉट्स। जी हाँ, ये वही गाड़ी है जिसको आप स्टार्ट में एक्सीडेंट हालत में देख चुके हैं।
ये बिल्कुल वही गाड़ी है, नंबर मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो स्टार्ट और एंड पे आपको मैं नंबर ज़रूर मेंशन कर देता। ये बैक वही है जो इतनी मेजर हिट थी, लाइट्स, ट्रंक, सब कुछ वही है। अब मैं आपको पहले तो गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ ना, दिन में ये गाड़ी आप देखें तो गाड़ी कितनी खूबसूरत लुक, ब्रांड न्यू लुक निकल आई है अंदर से। ये आपको मैंने फ्रंट लाइट्स जो हैं वो वॉश कराने के बाद उन्हें ब्लैक टिंट करवा दिया था ताकि वो एक डिफरेंट लुक नज़र आ सके, और जो फेंडर के ऊपर बैजिंग होती है ड्यूल VVTi की, उनको मैंने मैट ब्लैक पेंट करवा दिया था, जो एक गाड़ी में इन्हांसमेंट ला रहा था, गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा था। गाड़ी की आप लुक देखें, इतनी खूबसूरत निकल आई है। हमने टोयोटा करोला, एल्टेस, सुपर ECT सब ब्रांड न्यू लोगो लगा दी, 1.6 एल्टेस का भी। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके कि गाड़ी में वाकई असल में इतनी, ये जिस बैजिंग का मैंने जिक्र किया था ड्यूल VVTi का मैट ब्लैक, और ये इसकी फ्रंट की लुक है, कितनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी माशाल्लाह। ब्लैक हमने सारे ग्लास को विंडो टेंट करवा दिए थे इसके सारे के सारे ब्लैक, जो मज़ीद खूबसूरत लुक दे रहा था गाड़ी को। गाड़ी की आप लुक देखें तो अब कोई भी नहीं कह सकता कि ये वही गाड़ी है जो इतनी मेजर लगी हुई थी। मैं इसकी सारी कॉस्टिंग और मार्केट प्राइस ये करने का क्या फ़ायदा होता है नहीं होता, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में कंप्लीट होते होते ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप इसे बेहतर जज कर सकें कि हाँ भाई इतनी मेहनत करने का या इतने पैसे इन्वेस्ट करने का इसमें वाकई फ़ायदा है कि नहीं है। अभी ड्यूल VVTi का शॉट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बैक शॉट्स इसका देखें, एक गाड़ी ने एक डिफरेंट ही लुक, आप अगर ये रोड पे चल रही हो तो कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये वही गाड़ी है जो एक कभी हिट हुई थी, क्योंकि गाड़ी तो फ्रंट से बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, 1900 किलोमीटर ड्रिवन इज लाइक ब्रांड न्यू इंजन। अंदर हमने फिर भी स्टिल इसका इंजन ऑयल, क्योंकि गाड़ी काफ़ी टाइम खड़ी रही थी तो इसलिए हमने इसका इंजन ऑयल, गियर ऑयल चेंज कर दिया है, और ये गाड़ी की आप लुक देखें, एक कमाल लुक से बहुत बेहतर लुक हो गई, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह। ये आपको मैं रनिंग शॉट्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि गाड़ी रनिंग में कैसी थी, चलने में किस तरह की दिख रही है, जो भी आपके सवाल आते हैं वो आपके हर तरह से क्लियर हो सकें। ये गाड़ी मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया ताकि आपको बेहतर पता लग सके कि गाड़ी चलने में परफेक्ट है कि नहीं है। अब मैं आपको लाइव इसका प्राइस टेस्ट दिखाता हूँ कि हाँ भाई हमने जो है गाड़ी तैयार की है इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब हम ड्राइव थ्रिल पे आ गए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बगैर टाइम ज़ाया किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना आपने। ये आपको हम यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं जिन पे आप गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं। आपको ये ना लगे कि मैंने गाड़ी जो है ये प्राइस की है इसलिए मैंने गाड़ी ये वेबसाइट रिफ़्रेश कर ली। एल्टेस 2020 की प्राइस हम चेक करते हैं तो आपको इस टाइम दिख रहा होगा 39 लाख, और ये आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चली हुई है 42,50,000 और 39,90, 42,50,000। ये ग्रैंडी वगैरह आ जाती हैं, चलें इन्हें हम आउट कर देते हैं क्योंकि हमारी एल्टिस है खाली, तो 35,85। ये आप देखें कराची रजिस्टर है, और ये आप नोटिस करें कि गाड़ियाँ कितने कितने किलोमीटर चली हुई हैं, 30,000, 35,000, 40,000, यानी ये नियर टू आप ये कह सकते हैं कि गाड़ियाँ अभी काम निकालने वाली हैं, टायर चेंज होने वाले होंगे, ट्यूनिंग होने वाली होंगी, प्लग चेंज होने वाले होंगे, ब्रेक पैड चेंज होने वाले होंगे, यानी आपको उसको ले के भी 20-30-40-50,000 या लाख रुपए लगाने वाला होगा इस पर। गाड़ी पे आप देख सकते हैं अगर कुछ गाड़ियां कहीं पे सस्ती लगी हैं 36-37 लाख की, तो वो कराची रजिस्टर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा आप यानी ऑब्वियसली हर बंदे को पता है कि इस्लामाबाद रजिस्टर और कराची रजिस्टर में इन बड़ी गाड़ियों में जो 1600 cc हैं उनमें तकरीबन कोई 2-3 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस होता है। ये देखें 40 लाख, 39.5, फिर 40 लाख, इवन ये 39.5 लाख वाली गाड़ियाँ जो हैं ये कराची रजिस्टर्ड है। फिर ये गाड़ी आप ये भी नोट करें कि गाड़ियाँ चली कितनी, 21,000, 30,000, 40,000, बहुत ज़्यादा ही नहीं आप कह सकते हैं कि ये गाड़ियाँ चल चुकी हैं ऑन रोड, और ये आप इसे ब्रांड न्यू कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी एंगल से, क्योंकि इंजन लाइफ तो ऑब्वियसली बढ़ रही है ना, अगर बॉडी कंडीशन जेन्युइन है भी तो हमारी इंजन लाइफ तो वो कम हुई है, बेशक 50,000 कम हुई है किलोमीटर्स, लेकिन कम तो हुई है। गाड़ी ने चलना होता है इंजन पे, गाड़ी ने बॉडी पे नहीं चलना होता, ये आप लोग अपने जहन से ये पॉइंट क्लियर करें। बेशक एक जेन्युइन चीज़ ज़रूर जेन्युइन होती, लेकिन आप ये भी पॉइंट फैक्टर रखें, जहाँ पर आपके 6-7-8 लाख रुपये बच रहे हों वहाँ पर आपको ज़रूर बचाने चाहिए।
ये आपको सारी प्राइसिंग मैंने दिखा दी। आई होप आपको आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। हमारे चैनल ड्राइव थ्रिल पे मज़ीद बेतहाशा गाड़ियों की वीडियोज़ रिव्यूज़ आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये 40,800 जो है इन्हें 1 मिलियन तक ज़रूर पहुँचाएँ, और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। हमारे चैनल पर आपको इस तरह की रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स और गाड़ियों के रिव्यूज़, कार टिप्स, ट्रिक्स और मज़ीद हैवी बाइक्स वगैरह के रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप ही का मज़ीद फ़ायदा होगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका दें। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम इसकी प्राइसिंग पे। मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको जस्ट मेजर चीज़ बताऊँगा कि हमने गाड़ी कब ली, कैसे ली, कितने की ली। ये गाड़ी हमने परचेज़ की 23,10,000 रुपये की। गाड़ी का हमने ट्रांसफ़र करवाया अपने नाम पे। इस पर 50,000 इसलिए लगे क्योंकि ये हमने कंपनी से ली थी और वो कंपनी ने बैंक पे ली हुई थी। बैंक ट्रांसफ़र डबल ट्रांसफ़र होती है इस्लामाबाद, इट्स लाइक वेरी कॉस्टली। इसमें एक टोकन भी शॉर्ट था जो हमने पे करना पड़ा, तो वो सब कुछ कॉस्ट कर कर आके 50,000 रुपये हमारे इसके ट्रांसफ़र पर लगे। 2,10,000 की इसकी बैक कट आई। 1,00,000 रुपये इसके लेबर, यानी लेबर से मुराद है डेंटर ने हमारे से, जो नदीम भाई थे उन्होंने हमसे इसके लिए। 70,000 रुपये इसके मैकेनिक ने लिए। 60,000 रुपये इसके पेंट के लगे। ये मैं आपको मेजर कॉस्टिंग बता रहा हूँ जो हमारी इस चीज़ पे जो आपको विजिबल खर्चे दिख रहे थे। इसके अलावा हज़ारों खर्चे थे, जैसे शीशा लगाना, शीशा इंस्टॉल कराना, फिर गाड़ी के अंदर से छोटे मोटे हज़ारों काम थे, पीछे का मैट लेना, हज़ारों काम थे। वो अब मैंने इसलिए मैंशन नहीं किए कि मैं आपको डायरेक्ट कॉस्टिंग पर ले कर जाऊँ। 60,000 पेंट वाले ने लिए, डिटेलिंग जिन्होंने गाड़ी पूरी प्रॉपर अंदर बाहर से छत, इंजन, डिग्गी, ट्रंक, पॉलिश सब कुछ करने कराने के 5,000 इन्होंने, नदीम भाई ने हमसे लिए डिटेलिंग के। गाड़ी की ऐसे मैंने आपको जो स्टार्ट में अभी लाइव टेस्ट प्राइस टेस्ट में आपको बताया कि गाड़ी की मार्केट अगर आपको 40, 45, 48, 42, 43 का एड दिखा रहे हैं, लेकिन हम एक एवरेज प्राइस लग लेते हैं कि इसकी 38 से 40 के इन बिटवीन मार्केट है इस टाइम 2020 मॉडल की। तो अगर 38 प्लस की इसकी मार्केट है और हमें ये सारे खर्चे करने के बाद ये गाड़ी कॉस्ट की है 30,20,000 की, सारे कंप्लीट खर्चे करने के बाद, जिसमें हमारे छोटे से छोटा खर्चा, बड़े से बड़ा खर्चा, हर खर्चा हमारा इसमें क्लियर हो चुका है, 30,20,000 में 2020 मॉडल, 21 रजिस्टर्ड, इस्लामाबाद का नंबर, 1900 किलोमीटर ड्रिवन, ऑयल चेंज, ब्रांड न्यू पार्ट्स, सब कुछ करा कि अगर आपको ये गाड़ी एक मार्केट से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए सस्ती पड़ रही हो विद 3 पीस पेंट काउंट कर लेते हैं, जबकि मेजर फ्रंट हिट तो नहीं थी ना गाड़ी, बेशक मेजर हिट थी लेकिन बैक से थी, फ्रंट हिट नहीं थी ये गाड़ी। तो हमने उसे अभी आपके पास फ्रंट हिट के भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आपको मज़ीद दिखेंगे, तो इसलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30,20,000 की हमें गाड़ी कॉस्ट की, 38 लाख इसकी, 38 लाख प्लस इसकी करंटली मार्केट है। ये गाड़ी अगर हम लोग इस टाइम फेंक के भी ये गाड़ी मार्केट में बेचें ना, फेंकने से मुराद ये है कि बस ऐड लगाएं पहला कस्टमर आके जो हमें थर्ड क्लास रेट दे, जैसे हम कहें कि वो अगला कहे कि भाई ये इतने की मिल गई तो इतने की गाड़ी मुझे तो फ्री पड़ेगी, तो वो गाड़ी का रेट अभी जो है वो कोई 34 प्लस का रेट है। यानी आप कहें कि बस पहला कस्टमर आए और हमसे गाड़ी ले जाए तो 34 प्लस का रेट है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें तकरीबन कोई 2.5 महीने लगे इस गाड़ी को कंप्लीशन करते करते, जिसमें काफ़ी डिलेज आए मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से, क्योंकि उसकी ट्यूब में डिफरेंस आ गया था और कुछ छोटे मोटे फ़र्क थे, मैकेनिक डेंटर पेंटर हर तरफ से थोड़ा थोड़ा डिले काउंट करने के बाद थोड़ा जो आप कहें कि 2 से 2.5 महीने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर 2 से 2.5 महीने बाद आपको एक प्रोजेक्ट पे गाड़ी चलाने के बावजूद कोई 4 से 5 लाख रुपए बच रहे हैं तो वाई नॉट, आप नई गाड़ी की तरफ क्यों जाएंगे? आप जाहिर सी बात है ये सस्ती गाड़ी की तरफ आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोजेक्ट टोयोटा करोला एल्टिस 1.6 2020/2021 इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक गियर एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू जिसको हमने बना दिया है वो पसंद आया होगा आपको हमारी डिटेल्स। अगर आप इस पे मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं किसी खर्चे के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई चीज़ पॉइंट मिस कर गया हूँ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले अपने जितने भी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम वो पॉइंट्स ऐड कर सकें और आप उससे उन पॉइंट्स से फ़ायदा उठा सकें।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को इस बारे में आगाही दें, लोग इस बारे में जानें कि भैया हम लोग किस किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, किस तरह एक ज़्यादा शौक़ रखने वाला लो बजट में गाड़ी तैयार कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने चैनल ड्राइव थ्रिल को फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें। अपने होस्ट सैयद तलहा को इजाज़त दें। दोबारा जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो, अच्छी वीडियो, खूबसूरत वीडियो और रिव्यूज़ और ट्रिक्स वगैरह के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।